दिल तो पागल है उसमें तो एक्चुअली महाराज जी को ही आया था, लेकिन महाराज जी ने मुझे कहा कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत हो जाता है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया वहाँ पर। फिर वो मुझे अवसर मिला कि मैं बॉलीवुड में जाकर ये सारे गाने एकदम कल्ट हुए जिनको कि बहुत पसंद किया गया। लेकिन अब जब हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखते हैं तो अब कथक नहीं दिखता है, अब वो क्लासिकल जो संगीत है, जो डांस है, वो नहीं दिखता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, जबकि हमारी जितनी अभिनेत्रियाँ हैं उनका बहुत अच्छा प्रयास बना रहता है जी। जैसे माधुरी जी हैं या हमारी पादुकोण जी हैं या हमारी आलिया भट्ट जी, ये सारे लोग मन से जुड़े हुए हैं कला से, कथक से। अब वो उनके अंदर में नहीं है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मौका मिलता है उनके साथ जाने का, उनके साथ काम करने का, वो जी जान लगा देते हैं। तो वो चाहते हैं कि मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस से वो एरा वापस आए, कथक को वापस से लाया जाए। एक समय में तो ये एरा बहुत जोरों में चला, बिल्कुल जब हमारे लच्छू महाराज जी बम्बई में थे, पुरानी कई फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन किया, और उस समय पूरा क्लासिकल कथक का हिसाब था। तो महाराज जी को कई बार ऑफर आया, लेकिन महाराज जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमारी दादी जी ने ये कहा कि देखो बेटा, अगर तुम ना वहाँ जाओगे तो कल को तुम स्टेज पर जब नाचोगे तो कोई भी फरमाइश करेगा कि फलानी फिल्म के गाने पर नाचो, तो उनको शायद वो अच्छा ना लगे। उन्होंने कभी भी नहीं किया, बहुत बाद में जाके उन्होंने ये थोड़ा सा काम किया। तो सर, जैसे कि अब जैसे हम देखते हैं कि कथक कहीं ना कहीं विलुप्त तो होता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि सर ये विलुप्त शब्द हमारे पर सर सिनेमा को समाज का आईना माना जाता है कि हम जो सिनेमा में देखते हैं हम वो सीखते हैं, लेकिन अब सिनेमा में कथक नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इसको समाज का आईना माना जाए एक समय पर सर। मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसको आईना मत समझिए, आईना तो ये है जो हम मंच पे कर रहे हैं, ये आईना है, वो तो एक क्षणिक चीज है। तो सर, आप कथक को लेकर जो हमारे युवा हैं उनको क्या संदेश दें? मेरा बहुत सभी को ये कहना है कि अच्छे गुरुओं के पास जाएं, अच्छी तालीम लें, घराना कोई भी हो, कथक में कई घराने हैं, हाँ घराना हो, लेकिन अच्छे गुरु के पास जाएं और एकदम मन से एकदम अपने को समर्पित करते हुए आप कथक सीखिए। और ये परंपरा, ये धरोहर भारत की धरोहर, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारा भारत देश, भारत नाम, हमारे शब्दों में मैंने क्या व्याख्यान किया, भारत यानी कि भाव राग और ताल का देश। जब हम ये कहते हैं कि भाव राग ताल संगीत हमारा महाभारत है, आज हमारा पूरे विश्व के अंदर में अगर हमारा संगीत जो है उसने इतना काम किया है, बता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।